हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत है सभी का आज के इस न्यू एंड फ्रेश वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो स्पेशली हमारे जितने भी जोमेटो डिलीवरी पार्टनर हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज अगर आप जोमेटो में लास्ट 1-2 मंथ से जोमेटो गिफ्ट के थ्रू ईयरनिंग कर रहे हो तो यहाँ पे आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस करी होगी कि यहाँ पे आपकी जो ईयरनिंग है गिफ्ट के थ्रू, जो आप स्लॉट बुक करके जो ईयरनिंग कर रहे हो वो ईयरनिंग इस समय डाउन चल रही होगी। कोई कोई राइडर इस समय जोमेटो गिफ्ट के थ्रू यहाँ पे 2 से 3 दिन में 7,000 से अबव का यहाँ पे पेआउट बना ले रहे हैं एंड कोई कोई राइडर यहाँ पे जोमेटो गिफ्ट में वर्क करके 2 से 3,000 ही टच कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जोमेटो गिग्स की ईयरनिंग का इतना बड़ा यहाँ पे डिफरेंस क्यों देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप एंड तक देखना, एंड में वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पर ना हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का वीडियो तो से गाइस मिस ना हो। चलिए गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी जोमेटो में जब से जोमेटो गिग्स फीचर आया है तब से अभी हर एक राइडर जो जोमेटो में वर्क करता है, जिसमें से कुछ राइडर काफ़ी अच्छी खासी इस समय अर्निंग कर रहे हैं जोमेटो गिग्स के थ्रू, बट यहाँ पे कुछ राइडर जोमेटो गिग्स के थ्रू काफ़ी कम अर्निंग कर रहे हैं। एंड स्टार्टिंग में तो सीन ऐसा था कि जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी वो गिग्स स्लॉट बुक कर पा रहे थे, अर्निंग हो रही थी, बट जिनकी परफॉर्मेंस डाउन थी उस समय तो वो स्लॉट नहीं बुक कर पा रहे थे, गिग्स नहीं बुक कर पा रहे थे एंड इस रीज़न उनकी अर्निंग काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रही थी। बट यहाँ पे इस समय सिचुएशन ये है कि आपकी भी रैंकिंग काफ़ी अच्छी है, सामने वाली पर्सन की भी रैंकिंग काफी अच्छी है, वो भी स्लॉट बुक कर रहा है, आप भी स्लॉट बुक कर रहे हो, बट यहाँ पे उसकी अर्निंग और आपकी अर्निंग में काफी बड़ा यहाँ पे डिफरेंस देखने मिल रहा है। जो ट्रिप आप कंप्लीट कर रहे हो स्लॉट में, पर्टिकुलर 2 से 3 घंटे के स्लॉट में जो ट्रिप आप कंप्लीट कर रहे हो, आपकी जो अर्निंग हो रही है वो 100, 150, 200 एंड वही सामने वाला पर्सन वही सेम स्लॉट में वही ट्रिप कंप्लीट करके उसकी अर्निंग हो रही है 450, 300, 500 इस अप्रॉक्स। तो यहाँ पे इतनी अर्निंग का डिफरेंस लगभग 2 से 3 गुना हाई पे आउट सामने वाला पर्सन गेन कर रहा है, तो इतना डिफरेंस आखिरकार क्यों हो रहा है? अभी यहाँ पे दोस्तों ईयरनिंग में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस चलो चल जाता है कि हाँ हो सकता है राइडर ने ज़्यादा किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया हो या फिर ज़्यादा उसमें उस ऑर्डर में वेट किया हो, बट यहाँ पे इतना बड़ा डिफरेंस लगभग 2 से 3 गुना हाई पे आउट सामने वाले पर्सन को मिलना, ये थोड़ा यहाँ पे राइडर्स को एक डाउट क्रिएट करता है। अब दोस्तों यहाँ पे जोमेटो की इसकी अर्निंग का इतना बड़ा यहाँ पे आपको डिफरेंस आखिरकार क्यों देखने को मिल रहा है, इससे को यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे जो पहला पॉइंट है वो है गिग्स अर्निंग इंसेंटिव। ये इंसेंटिव स्ट्रक्चर कुछ स्पेसिफिक सिटी या फिर कोई स्पेसिफिक राइडर्स के लिए यहाँ पे लाइव होता है। आपको कुछ स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाएंगे। ये इंसेंटिव स्ट्रक्चर कुछ स्पेसिफिक राइडर्स और स्पेसिफिक सिटी के लिए लाइव रहता है, जिनको कंप्लीट करके राइडर यहाँ पे काफी अच्छी खासी अर्निंग जनरेट करते हैं एंड आपको लगता है सामने वाली पार्टी यहाँ पे काफी अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। एंड दोस्तों मैं ऐसे में दूसरा जो रीज़न है, दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आप यहाँ पे देख रहे हो लास्ट 1-2 मंथ से जो पेट्रोल के प्राइस है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं एंड ये जो प्राइसिंग है जो बढ़ रहा है पेट्रोल का, ये पूरा इफेक्ट कर रहा है राइडर्स के ईयरनिंग को। ओके, राइडर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज होने पे, जिसके थ्रू यहाँ पे जोमेटो ने रिसेंट में यहाँ पे एक डिसीजन लिया है कि अब जिस भी सिटी में पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज होंगे और राइडर्स की अर्निंग को वो इफेक्ट करेंगे तो उस सिटी में यहाँ पे जो गिग्स की अर्निंग है उनको इंक्रीज कर दिया जाएगा, उसको बढ़ा दिया जाएगा, जिससे कि उन सिटी में रहने वाले राइडर्स की अर्निंग है वो भी ज़्यादा बूस्ट होगी एंड उनको उतना फेस नहीं करना पड़ेगा पेट्रोल की प्राइसिंग जो हाई जा रहा है उसको। ओके, तो इस कारण भी यहाँ पे जो जोमेटो डिलीवरी पार्टनर है उनकी अर्निंग इंक्रीज हो रही है जोमेटो गिग्स के थ्रू। ओके, एंड इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है वो ये है कि सपोज करो आपको कोई ऑर्डर असाइन हुआ, वो लॉन्ग डिस्टेंस ऑर्डर है, वो आप कंप्लीट नहीं करना चाहते एंड जब उसको ऑर्डर को आप कैंसिल करोगे तो वो किसी अदर डिलीवरी पार्टनर के आईडी में यहाँ पे असाइन होगा। सपोज करो वो ऑर्डर 60 का है, आपने उसको कैंसिल करा तो वो अदर डिलीवरी पार्टनर के आईडी में जब जाएगा तो वो 90 रुपीज़ का हो जाएगा एंड जब वो अदर डिलीवरी पार्टनर उस ऑर्डर का कैंसिल करेगा तो जब वो किसी थर्ड पार्टी पर्सन के अकाउंट में जब वो असाइन होगा तो वही ऑर्डर हो सकता है 120, 130 या फिर 150 का कन्वर्ट हो जाए। तो इस रीज़न भी आपको यहाँ पे इतना बड़ा आपको डिफरेंस देखने मिल जाए, जो आप स्लॉट में 150 या फिर 100 टच नहीं कर पा रहे वही सामने वाला पर्सन वही सेम ट्रिप कंप्लीट करके लगभग 300, 350, 400 रुपए अप्रॉक्स यहाँ पे अर्निंग कर रहा है। तो इस समय डिफरेंस ये चल रहा है जोमेटो की इसकी अर्निंग का। ये थोड़ा 3 पॉइंट है जिसके जरिए आपको यहाँ पे सामने वाले पर्सन का जो अर्निंग है वो यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है। ओके, तो आई होप आपके यहाँ पे जो भी डाउट थे जोमेटो गिग्स के ईयरनिंग से रिलेटेड जो इस समय आपको फेस हो रहे हैं वो डाउट आज की इस वीडियो से क्लियर हुए होंगे। अगर बस अच्छी लगी हो वीडियो, हेल्पफुल लगी हो वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पर ना हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो को वीडियो तो उसे मिस ना हो। चलिए गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।